नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। पाकिस्तान पर मंदी की सबसे अधिक मार पड़ती दिखाई दे रही है। मंदी की वजह से पिछले 3 महीनों में पाकिस्तान की हालत बेहद खराब हो गई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। जी हां, ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी की वजह से पड़ोसी देश पाकिस्तान में कारों की बिक्री में 40-60% तक गिरावट आई है। भुखमरी की कगार पर खड़े पाकिस्तान की हालत इससे और भी ज्यादा खराब होगी। जी हां, पाकिस्तान की आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब उसको ना चाहते हुए भी भारत के 350 करोड़ रुपए देने होंगे। जी हां, आपको बता दें कि अगले 1-2 हफ्ते में लंदन हाईकोर्ट पाकिस्तान के ऊपर 350 करोड़ रुपए का वो बम गिराने वाला है जिस पर वो लंबे समय से कुंडली मारकर बैठा है। लंदन कोर्ट आदेश दे सकती है कि पाकिस्तान को ये मोटी रकम भारत को वापस करनी होगी। बता दें, 70 साल पहले हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान को ये रकम लोन के रूप में दी थी। लंदन हाई कोर्ट ने जून में इस मामले पर 2 हफ्ते का स्पेशल ट्रायल किया और संकेत दिया कि अगस्त के आखिर तक वो फैसला सुना देगा। ये पूरी कहानी थोड़ी घुमावदार है पर है दिलचस्प। आपको बताते हैं कि इस लोन की पूरी कहानी। 1948 में हैदराबाद के निजाम उस्मान ने 20 करोड़ रुपए की रकम जो पाउंड की शक्ल में लंदन के बैंक में जमा की थी वो पिछले 70 सालों में करीब 350 करोड़ रुपए हो चुकी है। जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के शासक मोहम्मद अली जीना हैदराबाद के निजाम उस्मान खान को फुसलाने में लग गए कि वो अपने राज्य का पाकिस्तान में विलय कर ले। हैदराबाद न केवल देश के सबसे बड़े राज्यों में था बल्कि सबसे संपन्न रियासतों में भी था। पाकिस्तान की हालत तब काफी खस्ता थी। इस देश का जन्म ही तब कर्ज के साथ हुआ था। जीना के कहने पर निजाम उन्हें 20 करोड़ रुपए लोन के रूप में देने को तैयार हो गए थे। वही धन अब पाकिस्तान को लौटाना है। पिछले 70 सालों से ये रकम भारत पाकिस्तान के बीच बड़े विवाद का विषय बनी हुई है। हैदराबाद के निजाम उन दिनों दुनिया के सबसे धनवान लोगों में गिने जाते थे। कुछ किताबों में ये कहा गया है कि तब वो भारत की तुलना में पाकिस्तान की ओर ज्यादा झुके हुए थे, इसलिए पाकिस्तान को गुपचुप तरीके से 20 करोड़ रुपए का लोन देने के लिए तैयार हो गए। साथ ही आपको बता दें कि जाने माने लेखक पैट्रिक फ्रेंच की किताब लिबर्टी और डेथ में लिखते हैं, पाकिस्तान ने अपने राजकोष में 20 करोड़ रुपयों के साथ जीवन शुरू किया था। उन पर करीब 40 करोड़ रुपए का कर्ज था। अकेले शस्त्र बलों पर ही हर महीने 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे थे। जब हैदराबाद के निजाम इस नए राष्ट्र को 20 करोड़ रुपए का ऋण देने पर राजी हो गए थे तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने खासी राहत महसूस की। जीना लंबे समय से इसके लिए निजाम को मनाने में लगे थे। इस पूरे घटनाक्रम में तब नाटकीय बदलाव आ गया जब भारतीय फौजों ने 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। हालांकि इससे पहले ही निजाम पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ रुपए यानी 1 मिलियन पाउंड की व्यवस्था कर चुके थे। 20 सितंबर 1948 को ये धन उस नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक की लंदन शाखा में जमा हो गया जिसे अब नेस्ट वेस्ट बैंक के रूप में जाना जाता है। हालांकि अब रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ग्रुप का बैंक है। खाते में धन जमा होने की बात जानकर पाकिस्तान की सरकार खुश हो गई। हालांकि इस रकम का उनके खाते में ट्रांजेक्शन होने में कुछ समय लगा था। 20 सितंबर 1948 को हैदराबाद के निजाम की ओर से लंदन बैंक में 10,07,940 पाउंड और 9 शिलिंग ट्रांसफर किए गए थे। इस बीच भारत सरकार को जब इसका पता लगा तो उसने निजाम से तुरंत पूछताछ की। तकनीकी तौर पर भारत में विलय के बाद निजाम ऐसा नहीं कर सकते थे। निजाम ने सफाई दी कि उन्हें तो पता ही नहीं कि उनका धन पाकिस्तान को दिया गया है। उन्होंने भारत सरकार से कहा, ये काम बगैर उनकी जानकारी के उनके मंत्री ने किया है। माना जाता है कि ये रकम पाकिस्तान को देने का मन हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने तब बनाया था जब वो इस दुविधा में थे कि पाकिस्तान के साथ जाए या फिर भारत में विलय करे। इसी दौरान उन्होंने पहले 20 करोड़ का लोन पाकिस्तान को दिया, फिर इसे वापस लेने की ओर कदम बढ़ाया। भारत की आजादी के समय लंदन ने तमाम स्वतंत्र रियासतों को ये विकल्प दिया था कि वो फैसला करे कि वो अपना विलय भारत के साथ चाहती है या फिर पाकिस्तान के साथ। तब हैदराबाद ने खुद स्वतंत्र रखने का फैसला किया था। साथ ही आपको बता दें, निजाम के उत्तराधिकारी मुकरम जह जो तुर्की में रहते हैं, उनका दावा है कि ये रकम हैदराबाद ने पाकिस्तान को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार खरीदने के लिए दी थी। इस केस को हैदराबाद फंड केस के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि हताश निजाम ने 27 सितंबर को वेस्टमिंस्टर बैंक से अनुरोध किया था कि ये धन उन्हें वापस कर दिया जाए,
क्योंकि ये बगैर उनकी जानकारी के पाकिस्तान उच्चायुक्त के खाते में डाली गई है। जब बैंक ने मना कर दिया तो निजाम ने उस पर लंदन की अदालत में मुकदमा ठोक दिया। रकम को विवादित मानकर बैंक ने सीज कर लिया। उसके बाद ये धन लगातार बढ़ता रहा। अब ये बढ़कर करीब 350 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। बैंक ने निजाम से कहा कि रकम तभी वापस मिल पाएगी अगर पाकिस्तान रजामंद हो। पाकिस्तान क्यों रजामंद होता? निजाम के सारे अनुरोध पाकिस्तान के सामने फेल हो गए। उल्टे पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कह डाला कि ये रकम तो उसकी है ही नहीं। अदालत में ये मामला पिछले 70 सालों से जारी है। भारत का कहना है कि चूंकि ये रकम हैदराबाद के भारत में विलय के बाद पाकिस्तान के अकाउंट में भेजी गई थी, लिहाजा ये कानूनी तौर पर गलत है। बतावे इस कानूनी लड़ाई में दो पक्ष हैं, एक भारत सरकार और दूसरा पक्ष है पाकिस्तान का लंदन स्थित उच्चायुक्त। हालांकि भारतीय पक्ष में भारत सरकार के साथ निजाम के मौजूदा उत्तराधिकारी और भारतीय राष्ट्रपति भी शामिल है। इस कानूनी लड़ाई में पाकिस्तान को झटके भी लग चुके हैं। बता दें, निजाम के वंशज और हैदराबाद के 8वें निजाम प्रिंस मुकर्रम जय और उनके भाई मुफखम जय इस कानूनी लड़ाई में भारत सरकार के साथ दे रहे हैं, ताकि लंदन के नेटवेस्ट बैंक में करीब 70 साल से रखी ये मोटी धनराशि बाहर आए। इसके लिए मौजूदा निजाम और उनके भाई ने लंदन विदर्स लॉ फर्म्स की सेवाएं भी ले रखी हैं। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि उनके दादा की जिस रकम पर पाकिस्तान कुंडली मारकर बैठा है वो अब उन्हें वापस मिल पाएगी। इसी साल जून में इस मामले का 2 हफ्ते लंबा ट्रायल हुआ। अब इस मामले का फैसला आने वाला है। बेशक इस मुकदमे में पाकिस्तान एक अहम पक्ष है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया है कि ये रकम उसकी है। सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर ये मामला भारत के पक्ष में ज्यादा है। अगर फैसला भारत के पक्ष में हुआ तो पाकिस्तान पर 350 करोड़ का एक ऐसा बम गिरेगा जिससे पाकिस्तान चुका ही नहीं पाएगा। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी केस जीतने के लंबे चौड़े दावे कर रहा है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि चूंकि ये मामला अदालत के सामने विचाराधीन है, लिहाजा कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि मौजूदा जज मानता है कि भारत की बात ज्यादा दमदार है। साल 2015 में इसी मामले में पाकिस्तान को अदालत झटका देते हुए कह चुकी है कि वो भारत को इस केस के कानूनी खर्च का भुगतान करे। तो आपको क्या लगता है कि 350 करोड़ रुपए की भारी रकम क्या पाकिस्तान चुका पाएगा? क्योंकि इस समय तो पाकिस्तान में खाने के लाले हो रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।